हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। जब घर में बेसन ना हो और हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करे तो क्यों ना हम उड़द दाल के चटपटे और फ्लफी उड़द दाल के पकौड़े को बना लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं एक कप उड़द दाल को ले लूँगी। यहाँ पे मैं छिलके वाले उड़द दाल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बिना छिलके वाला भी दाल ले सकते हैं। अब इसमें पानी डालकर दो तीन पानी से धुलकर इसके पानी को हम निकाल लेंगे और इसमें दोबारा से पानी डालकर 7 से 8 घंटे के लिए ढककर हम इसे फूलने के लिए रख देंगे और मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद। ये देखिए 7-8 घंटे हो गए हैं और दाल हमारी फूल के इस तरह से हो गई है। तो हम इसे 7-8 पानी से धुल लेंगे और इसके छिलके को निकाल लेंगे इस तरह से मसलते हुए। मैंने उड़द दाल को अच्छे से धुल लिया है और इसका छिलका देखिए निकल गया है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। 10 से 12 हरी मिर्च को ले लेंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी को डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं। उड़द दाल को मैंने 2 बार में ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसी जार में हरी मिर्च और लहसुन को भी ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम उड़द दाल के मिक्सर में निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक को डाल लेंगे, 1 चम्मच खड़ा जीरा को भी डाल लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी फ्लफी बनेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर दूँ, इसमें तेल डाल दूँगी और एक बाउल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें चम्मच को डिप करते हुए इसी के हेल्प से पकौड़े को फ्राई करेंगे। उड़द दाल के मिक्सर को हम तेल में डालते जाएंगे। और जब पकौड़े एक तरफ से हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। ये देखिए पकौड़े फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। और जब हम कोई भी पकौड़े बनाएं तो हमें चटनी ज़रूर चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं 3 हरी मिर्च ले लूँगी, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 3 पीस काजू। तो इन सारी चीज़ों का हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए उड़द दाल के पकौड़े बनके तैयार हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।